हे गाइस, वेलकम टू एचएस टेक जोन। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आजकल जो MIUI 12, MIUI 11 के साथ में जो Android 10 वगैरह के अपडेट्स रोल आउट हो रहे हैं। अब दोस्तों, यहां पर जो अगस्त का पूरा महीना निकल चुका है और अब दोस्तों स्टार्ट होने वाला सितंबर का महीना। अब सितंबर महीने के दौरान किन डिवाइसों को यहाँ पर जो MIUI 12 के अपडेट्स देखने को मिलने वाले हैं, तो वो सभी चीज़ें मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। लेकिन अगर बात की जाए यहाँ पर अगस्त महीने के दौरान MIUI 12 अपडेट्स की, तो वो अराउंड 5 डिवाइसों को ही देखने को मिले हैं। तो वो डिवाइस कौन कौन से है, वो सभी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं यहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन। लेकिन उससे पहले आपने चैनल सब्सक्राइब कर लेना है और पास वाली नोटिफिकेशन बेल का आइकन आएगा, उस पर क्लिक करें ताकि आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन मिल जाए। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन कर सकती हैं, यहाँ पर जो आपको किसी भी अपडेट की इन्फॉर्मेशन है वो सबसे पहले देखने को मिल जाती है। अब दोस्तों, अगर बात की जाए यहाँ पर MIUI 12 के बारे में कि यहाँ पर जो सितंबर का महीना आने वाला है उसमें कौन कौन से डिवाइस को अपडेट मिलेगा। लेकिन अगर दोस्तों बात करते हैं हम यहाँ पर अगस्त महीने के स्केड्यूल की, तो यहाँ पर दोस्तों जो Xiaomi वालों ने स्केड्यूल पोस्ट किया था कि हमें जो अगस्त महीने के दौरान इन जो डिवाइसों का अपडेट देखने मिलेगा, तो यहाँ पर आया था MI 10, Redmi Note 9, Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 8, Redmi Note 8 Pro, Redmi Note 7, Redmi Note 7 Pro और Redmi Note 7 के साथ में Redmi Note 7 SB आता है। लेकिन अगर बात करते हैं यहाँ पर अपडेट की, तो भाई यहाँ पर केवल MI 10 और Redmi Note 8 Pro, Redmi K20 Pro, Redmi K20 और Poco X2 को ही देखने को मिला है। लेकिन भाई जो बाकी के डिवाइस हैं, जैसे कि यहाँ पर जो Redmi Note 9 हो गया, Redmi Note 7 Pro हो गया, Redmi Note 7 हो गया, Redmi Note 7S हो गया, तो इन्हें केवल पायलट टेस्टर की ही रोम मिली है। यहाँ पर जो अपडेट नहीं देखने को मिला है जो पब्लिक रोल आउट होना था। तो जाने कि भाई अगस्त महीने के दौरान तक तो यहाँ पर केवल 5 डिवाइसों को ही अपडेट देखने को मिला है। लेकिन भाई यहाँ पर जो ये डिवाइस आते हैं Redmi Note 9 Pro और Redmi Note 8, इन्हें तो भाई यहाँ पर पायलट टेस्टर की रोम भी नहीं देखने को मिली है, या फिर पार्शियल रोल आउट भी नहीं देखने को मिला है। तो अब दोस्तों यहाँ पर जो सितंबर का महीना स्टार्ट हो चुका है, इस महीने के दौरान जो इन डिवाइसों का अपडेट मिलने वाला है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर दोस्तों जो स्टेबल MIUI 12 है, ये सेकंड बैच के डिवाइस आ जाते हैं जिन्हें अगस्त और सितंबर महीने के दौरान अपडेट मिलने हैं। तो इस जो लिस्ट में डिवाइस शामिल है उन डिवाइसों के बारे में बताता हूँ मैं आपको। तो यहाँ पर नंबर 1 पर आता है Redmi Note 9, फिर Redmi Note 9 Pro, फिर Redmi Note 9 Pro Max, Redmi Note 8 Pro, Redmi Note 7 Pro, Redmi Note 7, Redmi Note 7S, Redmi Note 8, Poco X2, Poco X2 का अपडेट मिल चुका है फाइनल। उसके बाद में Poco F1, Redmi 8, Redmi 8A, Redmi 8A Dual और Poco M2 Pro। तो दोस्तों इन जो डिवाइसों को अपडेट है वो सितंबर महीने के दौरान मिलने वाला है। जाने कि यहाँ पर दोस्तों ये जो शेड्यूल है ये अगस्त और सितंबर दोनों का है। अब अगस्त का महीना निकल चुका है, तो सितंबर महीने के दौरान इन जो डिवाइसों का अपडेट मिलने वाला है। लेकिन भाई एक डिवाइस है यहाँ पर, एक जिसे यहाँ पर थर्ड बैच में अपडेट मिलना था, जो है Redmi 6 Pro। दोस्तों इसे भी यहाँ पर जो पार्शियल रोल आउट मिलना स्टार्ट हो चुका है MIUI 12 का इंडिया के अंदर। तो यहाँ पर Xiaomi वाले का थोड़ा जो स्केड्यूल है वो ऐसे आगे पीछे कर रहे हैं। लेकिन भाई ये जो डिवाइस है ना, इन्हें यहाँ पर कन्फर्म है कि अब सितंबर महीने के दौरान से जो अपडेट मिलने लग जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर जो पहले चाइना का स्केड्यूल आया था, यहाँ पर दोस्तों चाइना वाला स्केड्यूल है जिसमें से मैंने केवल इंडिया वाले जो डिवाइस ही शामिल किए हैं और बाकी चाइना वाले डिवाइस या फिर ग्लोबल डिवाइस हैं वो निकाल दिए हैं। तो जो बाकी के बचे हुए डिवाइस आ जाती हैं वो केवल यही है। अब दोस्तों इनमें से भी कुछ डिवाइसों को जो अपडेट मिल चुका है फाइनल, जैसे कि Redmi Note 8 Pro को फाइनल MIUI 12 मिल चुका है अगस्त महीने के दौरान ही, क्योंकि ये स्केड्यूल है यहाँ पर अगस्त और सितंबर दोनों महीने का। इसके बाद में जो Poco X2 है, इसे भी यहाँ पर अपडेट मिल चुका है MIUI 12 का फाइनल पब्लिक जो रोल आउट होता है, तो इसे आप डाउनलोड करके फ्लैश कर सकती हैं। अब दोस्तों ये कन्फर्म हो गया होगा कि आपको किन डिवाइसों को सितंबर महीने के दौरान जो अपडेट्स देखने को मिलने वाले हैं। फिलहाल तो दोस्तों आज के इस वीडियो में यही थी पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन। अब जैसे दोस्तों कोई अपडेट की इन्फॉर्मेशन आती है या फिर अपडेट रोल आउट होता है, तो उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपका दिन शुभ रहे।